हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहिदुल। एसएम कंप्यूटर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि आइकॉन अपने डिस्प्ले में कैसे लेके आना। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस का आइकॉन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले में आ जाता है, डेस्कटॉप में आ जाता है, लेकिन बाकी जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप या मिस्टर फोटो या और बाकी जो भी एप्लीकेशन है उसका यहाँ पर नहीं आता है, तो उसको हम कैसे लेके आएंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ता है बार बार कोई भी एप्लीकेशंस के लिए, जैसे वर्ड हुआ और भी कोई एप्लीकेशंस के लिए, तो उनको आपको बाहर में कैसे शो करना है, ठीक है, यहाँ पे कैसे लेके आना है, तो इसी चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान सा है, बस एक दो मिनट का मैं आपको मैं सारा चीज़ बता दूंगा। चलिए वीडियो पे बने रहिए। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप का टेक्निकल वीडियोज़ हम लोग बनाते रहते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको आगे बताते जा रहा हूँ। तो करना क्या होता है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे फोटोशॉप है ना, तो फोटोशॉप को अगर आपको यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे लेके आना है, तो क्या करेंगे, स्टार्ट में क्लिक करिए, देन आपको फोटो यहाँ पे जैसे शो ही कर रहा है एडोब फोटोशॉप 7.0, राइट क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन आएगा पिन टू स्टार्ट। पिन टू स्टार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे पिन टू स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे शो कर देगा आपको, ठीक है, यानी जब आप स्टार्ट में क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर देता है। अब यहाँ से क्या करना होता है, ड्रैग करना होता है। ड्रैग मतलब क्या होता है, एक जैसे आप एक आपका इसमें सिलेक्ट करके लेफ्ट बटन को आपको दबा के रखना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रख के आपको माउस को मूव करना है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी इसको पकड़ के बाहर छोड़ना है। क्या करेंगे, क्लिक माउस वहाँ पर ले जाके आपको लेफ्ट बटन दबा के बाहर लेके आ जाना है, आप इसको बाहर में छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको इसको जैसे अरेंज करना है वैसे आप अरेंज कीजिए। मैं आपको और भी ला के दिखाता हूँ, ठीक, जैसे यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे वर्ड सर्च कर लीजिए। अब ये वर्ड यहाँ पर आ गया, ये भी थोड़ा सा नया टेक्निक यहाँ पे व्यू में आता है, तो वर्ड 2013 यहाँ पर आ गया। आप क्या कीजिए, यहाँ पर यहीं पर शो कर रहा पिन टू स्टार्ट, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप फिर से जाके बाहर में क्लिक करके जाके देखिए यहाँ पर आ गया। आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना होता है, आप इसके ऊपर बस माउस लेकर आइए, माउस का लेफ्ट बटन को दबा के रखिए और माउस को मूव कीजिए बाहर साइड में और छोड़ दीजिए, ठीक है, आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको और भी कुछ लेके आना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे आपको एक्सेल लेके आना, तो एक्सेल आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, एक्सेल सर्च कीजिए, ठीक है, यहाँ पर आ गया एक्सेल। अब यहाँ पर स्टार्ट टू पिन टू स्टार्ट यहाँ पर आ गया। और एक चीज़, अगर आपको इसको टास्क बार में लेके आना, मतलब यहाँ पे लेके आना, तो क्या करेंगे उसको भी बता सीख लीजिए, ठीक है। ये दो चीज़ तो हो गया, अब उसको वहाँ पे लाने के लिए अगेन एक्सेल यहाँ पे पिन टू टास्क बार कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, पिन टू स्टार्ट करेंगे तो पिन टू स्टार्ट में फिर से यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर पकड़ के, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस माउस लेके आना है और लेफ्ट बटन दबा के रखना, बाहर छोड़ देना। तो इस टाइप से जो है आप अपना आइकॉन को डेस्कटॉप में शो करा सकते हैं, तो बहुत इजी है। अब आप इसको यूज़ करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक, आराम से इजीली आप जल्दी में काम कर सकते हैं। चलिए वीडियो पर बढ़ने के धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।